हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बताने वाले हैं नॉर्मल फैन और BLDC में क्या अंतर होता है। तो सामने दोनों फैन दिख रहा है, ये BLDC हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो दोनों को खोलते हैं, उसमें क्या डिफरेंट है वो चीज़ मैं बताऊंगा। जैसे ये फर्स्ट डिफरेंट हम आपको बता दें, इसमें कैपेसिटर लगता है, इसमें कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं होता। इसको चलाने के लिए हमको PCB की ज़रूरत होता है। चाहे तो इसको बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो बैटरी से ऑपरेट करने के लिए आपको हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे बैटरी से भी इसको हम चला सकते हैं BLDC को, ठीक है। तो चलिए इसको हम खोलते हैं और खोलने का भी तरीका देख लीजिएगा, सही खोलने का तरीका क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ रहता है। और इसके अंदर तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये ऑलरेडी पुराना है, तो कितना फ़ैन खोले हो जाएगा। ये अभी मार्केट में नया है, बहुत कम आदमी जानते हैं इसके अंदर क्या रहता है नहीं रहता है, सारा चीज़ हम क्लियर करेंगे, ठीक। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिए। तो इसका हम कैपेसिटर निकाल देते हैं, पहले इस फैन को हम खोलते फिर उसको खोलेंगे। ये थोड़ा कुछ नट खो जाने के कारण ये सिस्टम इसमें लगाना पड़ा, इसको लगता है लंकी से ही खोलना पड़ेगा। होता है क्या, खुलने का मतलब नॉर्मली हम जैसे ही सारे नॉट खोले तो ऑलरेडी फैन बाहर फेंक दे, तो देख ही रहे ऑलरेडी बाहर फेंक दिया, तो इसके अंदर यही रहता है। अब इसको खोलते हैं, इसके अंदर क्या रहता है वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं। तो इसके अंदर एक कॉइल होता है, इसके अंदर एक रोटर होता है, ठीक। चलिए ये हो गया, अब इस फैन को हम खोलते हैं। देख लीजिए इसका कनेक्शन कुछ खास नहीं है, तो खोलने से पहले कनेक्शन भी समझना ज़रूरी है। अगर आप फैन बनाने जा रहे हैं, फैन अगर बनाने जा रहा है तो जैसे देखिए ब्लू येलो रेड, तो सेम इसमें भी तीन कलर निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो कलर निकला हुआ रहता है तो इसको ऐसे ही खोलना, जैसे लगा हुआ वैसे ही कनेक्शन कर देना है, कलर वाइज मिला के कनेक्शन इसको करना है। तो हम इसको खोल लेते हैं किसी भी तरह का। अगर BLDC फैन ख़रीदना हो, अगर मुजफ्फरपुर से हैं तो एक बार संपर्क कर सकते हैं, कमेंट करके बोल सकते हैं, आपको फ़ैन प्रोवाइड हम करा देंगे। ऑनलाइन जितना होगा उससे कुछ कम ज़रूर हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दो तार निकला हुआ रहेगा और न्यूट्रल और फेज रहता है। खोलने का भी तरीका देख लीजिए कैसे खोला जाता है इसको। इसको ऐसे आराम से निकाल कर हटा देंगे और किसी भी था इसको खोलते हैं। देखिए हम इसको खोलते हैं, तो इजीली ये खुल गया। तो BLDC के अंदर यही रहता है, ठीक है। कॉइल को भी हम निकालते हैं, ये रहा मैग्नेट, इसके अंदर मैग्नेट रहता है, काफ़ी पावरफुल होता है। तो BLDC के अंदर यही चीज़ मिल जाता है, इसका बाइंडिंग भी देख लीजिए यही है, कुछ खास इसमें है नहीं। इसके अंदर जैसे नॉर्मल में रोटर है तो इसके अंदर मैग्नेट कर दिया है, इसको शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। यही अंदर होता है, खोलने का तरीका वही है। अगर इसमें अगर ख़राब भी होता है ना, सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है तो PCB होता है। ये कॉइल बहुत कम जलता है, ठीक है, कॉइल बहुत कम ही कम जलता है। देख लीजिए दोनों में डिफरेंट यही है, इसमें सिंगल बाइंडिंग है, उसमें डबल बाइंडिंग है।
बीएलडीसी में सिंगल बाइंडिंग है, बैरिंग दो ठो इसमें भी है, बैरिंग दो ठो उसमें भी है, इसमें डबल बाइंडिंग है, इसमें सिंगल बाइंडिंग है। तो क्लियर आपको आपको दिख रहा होगा, इसमें मैग्नेट है, कोई भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट बस वाटेज जो है इसीलिए कम है इसका, क्योंकि पीसीबी के हिसाब से चल रहा है, इसको पीसीबी लगाएंगे तो नहीं चलेगा, ये चलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कर दीजिए अच्छा लगा। फिर इसको बैठाने में काफ़ी दिक्कत होगा, खोल लीजिएगा तो थोड़ा सा इसमें गेम है, तो वीडियो को पूरा देखिए समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये जो गेम है, यही गेम में ध्यान दीजिएगा, ये जो उड्डी देख रहे हैं इसको सेम मैच करा के लगाइएगा, नहीं तो परेशान हो जाइएगा, इसको फिटिंग करने में नहीं होगा। ठीक है, तो इसको जैसे खोल लें वैसे ही बैठा देना है, तो यहाँ पर मैग्नेट को फंसा देना है, फंस गया, अब इसको ऊपर से हम फंस देंगे। इसको बनाना और आसान है नॉर्मल इसके मुकाबले, ताकि इसका जो है ख़राब ये होता नहीं है, बहुत कम होता है, रियर के इसमें क्वाल जलता है, सबसे ज़्यादा जलने वाला चीज़ वही है। फाइव स्टार फैन है तो कंप्लीट इसको हम कस दिए, फैन पूरा फ्री है, अब इस कनेक्टर को कसना है, तो पहले कनेक्टर को कसने से पहले हमको इसको घुसा लेना होगा, मतलब अंदर डाल देना होगा, और यहाँ पर एक नट होगा, इसको मिलाकर फिर कसना है। तो अगर इसको कसना है तो पहले कीजिए कि काम, पहले इसमें कस लीजिए फिर उसको कसिएगा, नहीं तो परेशानी हो जाता थोड़ा सा। जैसे इसको खोले तो वैसे ही कनेक्शन कर देना, बस इसको सामने नोट नोट के सामने, मतलब जिधर होल है उसके सामने मिलाकर इसको टाइट कर देना। तो फैन बनाना भी उतना ही आसान है, जैसे है वैसे ही कर देना है। और इसका रिमोट को मैच कराना होता है, तो मैच कराने के लिए इससे पहले जो वीडियो है वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैच कैसे कराना है। ठीक है।